हमारे यहाँ सावे रोड पे इपका लेबोरेटरीज का एक प्लांट है, जो दवा है हमारी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन उसका रॉ मटेरियल बनाती है, और वो बनाने वाली ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो आमतौर पे जो कर्मचारी थे वो आने को तैयार नहीं थे, उनमें सुरक्षा का भी भाव था, और फैक्ट्री के बंद होने से दवाओं की आपूर्ति पर राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता। भारत सरकार से इस बारे में चिंता व्यक्त की है। फिर मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि इस प्लांट को चालू कराया जाए और इसका उसकी फुल कैपेसिटी में चालू करना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम लोगों ने लोकल उनके मैनेजमेंट से संपर्क किया, उनके एमडी से बात करी जो मुंबई में है। उसके बाद हम लोगों ने इंश्योर किया आईडीए की मदद से कि उनके कर्मचारियों को रहने के लिए पास में ही सुविधा हो जाए। तो इसकी 155 में आईडीए के फ्लैट्स थे, तो वहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई। सिटी बस उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुनिश्चित किया गया, और जहाँ जहाँ से उनके एम्प्लॉय आते हैं वहाँ पे सब जगह डाउन द लाइन ये मैसेज कराया गया कि इपका लेबोरेटरीज के कर्मचारियों को कभी भी आने जाने में परेशानी ना हो। और इन सबके समन्वित प्रयास का असर है कि प्लांट चालू हो गया है और जो दवाओं की आपूर्ति है, आज इस लड़ाई में सारे लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई कर रहे हैं और वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। तो जहाँ तक दवाओं की आपूर्ति का संबंध है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी, ये हमने सुनिश्चित किया है।